पुरुषों को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उन पर बलात्कार का केस दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला के एक मामले में कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है, जिसमें एक पीड़ित युवक के पक्ष में आदेश देते हुए पुलिस विभाग को महिला के बारे में विस्तार से जांच करने के लिए एसआईटी टीम गठित करने के आदेश देते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कृष्णा एसोसिएट्स के वकील लखन सी चंदेल, राहुल योगी और टीम के अन्य लोगों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उक्त महिला इंदौर के रामबाग क्षेत्र में रहती है, जिसने अल्ताफ नामक युवक के खिलाफ बलात्कार का झूठा केस दर्ज करवाया था। अल्ताफ का केस लड़ने वाले एडवोकेट की माने तो उक्त महिला के खिलाफ इंदौर के कनाडा खजराना सदर बाजार सहित चंदन नगर थाना क्षेत्र के कई अन्य लोगों ने केस दर्ज करवाए हैं। देखिए, ये 376 का मामला है और एक महिला है, उसने अल्ताफ नामक व्यक्ति के ऊपर 376 का प्रकरण दर्ज कराया था सदर बाजार में लॉकडाउन के पहले, और उसमें माननीय न्यायालय ने उसे दोष मुक्त करार दिया है और उस महिला के कंडक्ट के आधार पर उसे दोषमुक्त करा दिया है। और पूर्व में भी वो महिला के अलग अलग थानों में नाम बदल कर FIR करके और भोले भाले युवकों को ब्लैकमेल करके पैसे लेकर फिर बयान बदलने के संबंध में मामले जांच में आए थे, जिसके संबंध में हमने थाना खजराना से और थाना कनाड़िया से और थाना MG रोड, थाना चंदन नगर, ये ऐसे थानों, थाना सदर बाजार, इन थानों क्षेत्रों में वो महिलाएं अलग अलग नाम बदल कर और अलग अलग भोले भाले युवकों को उनके खिलाफ में 376 का अपने प्रेम जाल में फंसाती है और फिर उनको उनके ऊपर 376 का केस लगाकर उनसे रुपए ऐंठती थी। तो इसके कुछ प्रमाण हमने भी न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं, जिसके आधार पर इस जो युवक है अल्ताफ को, उसको दोषमुक्त किया है न्यायालय ने। सर, ये हियरिंग कब तक चली थी, क्या क्या दलीलें रखी गई थी? देखिए, ये हियरिंग लगभग 3 साल से चल रही थी और इस हियरिंग में उस महिला के जितने भी अलग अलग थानों के रिकॉर्ड थे न्यायालय के, वो सारे न्यायालय के रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए थे। इसी दरमियान उसके द्वारा जिला जेल में जाकर, सॉरी सेंट्रल जेल में जाकर आरोपी से रुपए मांगने का भी मामला प्रकाश में आया था, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में अभ्यंकर साहब ने आदेश भी किया था और जाँच भी हुई थी उस समय में। इसके बाद में अन्य भी मामले में थाने में है, एक अन्य मामले में भी उसने 2 बच्चों को फंसाया है, जिसमें गैंगरेप पर फंसाया है। न्यायालय ने उनकी अरेस्ट पे अभी रोक लगा रखी है और सत्र न्यायालय से ही पुलिस कमिश्नर महोदय इंदौर को एसआईटी बनाकर जांच करने का आदेश किया गया है। गैंग है या क्या है? हाँ, बेसिकली इन कुछ 3-4 लोगों की गैंग है जो इस तरह की इंदौर में सक्रिय है, और इसमें पुलिस अगर सक्रिय रूप से कार्य करे तो इस तरह के अपराधों को रोका जा सकता है। लाखन सिंह चंदेल नाम है मेरा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।